नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे, थोड़ी देर से आपको एक खबर बता रहे हैं। खबर तो हमारे पास 3 बजे आ गई थी, लेकिन जेपीएससी के कार्यों में बहुत ज़्यादा व्यस्तता के चलते आपके साथ देर से रूबरू हो रहे हैं। और ये बता दें कि 6ठी जेपीएससी पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है ये बताएंगे। इसके साथ साथ बताएंगे कि जेएसएससी मामले पर, पंचायत सचिव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है। और इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि अब से कुछ मिनट पहले आईएएस पूजा सिंघल सहित उनके 2 सहयोगी को अरेस्टिंग कर लिया गया है। और क्या इस सब के बहाने हेमंत सोरेन, जो खुद एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस रहे थे, क्या उन्होंने एक चाल चल दिया है रघुवर दास के खिलाफ में? क्या रघुवर दास के ऊपर भी जांच का शिकंजा हो जाएगा? तो इस पर भी बात करेंगे। उसके पहले सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं 6ठी जेपीएससी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में आज उम्मीद की जा रही थी कि इस पर फैसला आ जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसमें फैसला नहीं आया, बल्कि इसमें जिरह हुआ। जिरह के दौरान अलग अलग ग्रुप के वकील, मसलन जो नए 62 पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं उनकी ओर से वकील थे। इसके अलावा जो पुराने लोग जो ज्वाइनिंग किए हुए उनकी ओर से वकील थे, सरकार की ओर से तीनों ने आज जिरह किया। कपिल सिब्बल नए लोगों की ओर से वकील हैं, उन्होंने कहा कि उनके लोगों को ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। ऐसे में जो सरकार का पक्ष था, उनका पक्ष था कि कहीं पर कोई सीट ही खाली नहीं है, तो कहाँ करेंगे? तो फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि बहुत जगह पर सीट खाली, उन्होंने डिपार्टमेंट का नाम बता दिया, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई ज्वाइनिंग की बात नहीं हो पाई। इसके तुरंत बाद सरकार से पूछा गया कि आपकी मंशा क्या है, तो गवर्नमेंट ने अपना मंशा स्टैंड कर दिया कि उनके पास सीट नहीं है, लिहाजा वो नए जो 62 लोग हैं उनको तो ले लेंगे, लेकिन पुराने लोगों को जिनको निकाला गया है उनको वो कहीं भी नहीं रख सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उनको आपने बुलाया था, नौकरी में वे लोग थे, इसके बाद वो कहाँ जाएंगे? सरकार की ओर से कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया गया। और इस बीच में गवर्नमेंट ने कहा कि मुझे और वक्त दिया जाए, तो बीच में आपको पता है कि छुट्टी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट, तो अब 20 जुलाई का डेट दिया गया है। थोड़ा लंबा चला गया ये मुद्दा, 20 जुलाई को ही ये डिसीजन होगा कि इन 62 लोगों का क्या होगा, मतलब पुराने लोगों की नियुक्ति होगी या नए लोगों को लिया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट उस दिन डिसीजन देगी। सुप्रीम कोर्ट पुराने लोगों को लेने के पक्ष में दिखी, सरकार ना में जवाब दिया, लेकिन सवाल यही है कि 62 सीट है, नए 62 को लिया जाएगा या पुराने 62 को? सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को इस पर अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सुनवाई हुई पंचायत सचिव भर्ती के मामले में, पूरी बहस आज भी नहीं हो पाई सोनी कुमारी वाले मामले पर। और ये उम्मीद की गई कि सोनी कुमारी वाले मामले पर कल हो सकता है फैसला आ जाएगा। अमूमन इस प्रकार का रेगुलर जब पैनल होता है, रेगुलर डिस्कशन होता है, तो फैसला रिजर्व रख लिया जाता है। कल उम्मीद की जा रही है कि इसका फैसला को रिजर्व रख लिया जाएगा और 2-3 सप्ताह के बाद इसका फैसला सुना दिया जाएगा। जब अंतिम सुनवाई होती है, इसमें आज 11 जिले पर फिर बात हुआ, बार बार ये बोला गया कि इसमें कोई रोक नहीं था तो नियुक्ति क्यों नहीं हुआ। टीजीटी मामले पर भी यही हुआ, लेकिन सब मिलाकर यही था कि आज बहस ही चलता रहा, दोनों ओर से दमदार बहस होता रहा और ये लगा कि किसी भी समय में जजमेंट आएगा, लेकिन कल ये कंटिन्यूटी में रख दिया गया। तो पूरी उम्मीद है कि जब इस प्रकार की कंटिन्यूटी होती है तो अगला डेट नहीं आता है, बल्कि ये अंतिम फैसला हो जाता है। इसमें फैसला सुनाने के पहले कोर्ट फैसला को रिजर्व रखती है, तो ये परंपरा भी है और हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट फैसला रिजर्व रख लेगी सभी प्रकार के जिरह को सुनने के बाद। वही दूसरी ओर हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुआ था, हमने सुबह में ही आपको बता दिया था कि उस पर क्या कुछ फैसला हुआ है, और ये भी 20 जुलाई को चला गया। तो बहुत मतलब थोड़ा सा सोचने वाला भी बात है कि झारखंड के हाईकोर्ट का मामला का भी अगला सुनवाई 20 जुलाई, सुप्रीम कोर्ट का भी अगला सुनवाई 20 जुलाई को होगा। अब आपको राजनीतिक घटनाक्रम में लेकर के चलते हैं। हेमंत सोरेन ने अब 2020 मैच का रोमांच ला दिया है। हेमंत सोरेन जो पिछले कई दिनों से थोड़ी बॉडी लैंग्वेज उनकी उदासीन लग रही थी, घिरे हुए नजर आ रहे थे, 10 दिनों का मोहलत इलेक्शन कमीशन ने दिया, भारी मुश्किल में थे, आज उन्होंने नहले पर दहला दे मारा। आज उन्होंने ये स्वीकृति दिलवा दी कि सभी लोगों की अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। सबसे पहले आईएएस पूजा सिंघल का हो गया अरेस्टिंग, उसके तुरंत बाद ट्वीट किया हेमंत सोरेन ने कि अब वो सीएम, पूर्व सीएम रघुवर दास के समय क्लीन चिट जो दिया गया था भ्रष्टाचार के आरोप पर पूजा सिंघल को, उसकी भी जांच करवाएगी।
पहले सदूरा इसी प्रकार का आरोप लगा चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि अब इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन तो अलग केस में फंस रहे थे, लेकिन इस भ्रष्टाचार वाले मामले में अब रघुवर दास फंस जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ? बीजेपी पिछले कई दिनों से बार बार जेएमएम को घोटालेबाज की पार्टी बोल रही थी, भ्रष्टाचारियों की पार्टी बोल रही थी। जब सीएम रघुवर दास के समय का, पूर्व सीएम रघुवर दास के समय के कार्यकाल का लेखांकन होगा, ऐसे में उनका भी फंसना तय माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शिकंजा उनके ऊपर भी आ जाएगा, उनके ऊपर भी जांच हो जाएगी, तो बीजेपी के ऊपर जेएमएम पूरा पलटवार कर सकती है। और इसी कड़ी में खींचतान चल रहा, झारखंड की जनता मुख दर्शक बनकर के देख रही है। आने वाले समय में आपको कुछ और राजनीतिक हस्तियों के नाम सामने आ जाएंगे। अमूमन हम बोल रहे हैं, सारे नेता को नहीं बोल रहे, अमूमन अधिकांश नेताओं पर इस समय भ्रष्टाचार का शिकंजा कसा जा रहा है। कहीं पर एसीबी की जांच चल रही है तो कहीं पर सीबीआई वाली, कहीं पर ईडी का रेड पड़ने वाला है तो कहीं पर झारखंड सरकार रेड करवाने वाली है। ये सारा कुछ राजनीतिक पहलू को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इस बीच में नौकरी के आसार रुकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जेपीएससी के अलावा जो बड़ी संस्था है जेएसएससी, उसमें अभी तक नियमावली का रोड़ा अटका हुआ है। आज हाईकोर्ट से कोई भी बहुत महत्वपूर्ण फैसला नहीं हो पाया और ये पूरी उम्मीद की जा रही कि अब एग्जाम जेएसएससी सीजीएल जो होगा, हमें नहीं लगता है कि ये जुलाई में भी हो पाएगा। एक ही उम्मीद है, अगर इस बीच में हिंदी को शामिल कर लिया जाए, और इसके साथ साथ हिंदी को शामिल करने के साथ साथ अगर सरकार ये चाहेगी कि वो सर्टिफिकेट पॉलिसी पर अपना स्टैंड क्लियर कर दे, तो ऐसे हालत में हमको लग रहा है कि झारखंड में एग्जाम का रास्ता खुल जाएगा, नहीं तो 7 से 8 परीक्षा रुकी हुई है। पंचायत सचिव, हमने पहले ही बता दिया था कि सरकार तो नौकरी देना चाहती नहीं है, और खास करके जो रही कही कसर थी, जो लोग रोड में आंदोलन कर रहे थे, इससे सरकार काफी नाराज हुई। नौकरी हमें लगता है कि मिल जाता पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को, उन्होंने अंत में सोचा न्यायपालिका का रास्ता, और अब जितना मेहनत न्यायपालिका के लिए सारे लोग कर रहे हैं, हम उसकी सराहना करेंगे। इस चीज के लिए हम एक साल पहले से बोल रहे थे कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को सड़क का मार्ग छोड़ करके, एजिटेशन का मार्ग छोड़ करके सीधा न्यायपालिका में जाना चाहिए, वहां पर स्ट्रेस डालना चाहिए और वहां से इनको नौकरी जरूर मिल जाएगी, हम कन्फर्म बता रहे न्यायपालिका से मिल जाएगी। लेकिन इतना दिन जो सड़क पर आंदोलन करने में खर्च चला गया, 2-3 लोगों के चलते सारे स्टूडेंट्स की नुकसान हो जाती है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि स्टूडेंट निराश हो जाते हैं। अगर शुरू से यही ताकत न्यायपालिका में लगा दिया जाता, आपने देखा होगा कि सड़क में आंदोलन करने से झारखंड के सरकार में वो नहीं बोला जाता कि कान में जूं तक नहीं रेंगती। और आप बताइए कि कभी भी आपको ऐसा लगा कि आप भूख हड़ताल कीजिए, चाहे आप रोड में बैठ करके आंदोलन कीजिए, चाहे आप जुलूस निकालिए, मोमबत्ती जलाइए, सरकार कभी भी थोड़ी भी संकोच में दिखी क्या? लेकिन देखिए, न्यायपालिका ने जेपीएससी में रिजल्ट जोड़वा दिया, न्यायपालिका में 6ठी जेपीएससी के मामले पर हुआ, 6ठी जेपीएससी में भी कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर सरकार जो है, हमें लगता है कि वो एकदम मौन धारण वाली है। और वो भाषा क्या समझती है? वो भाषा समझती है सीधा सीधा कि ये न्यायपालिका वाली भाषा, और न्यायपालिका जब दबाव डालती है तो सरकार की उत्तर बंद हो जाते हैं, और ऐसे में थोड़ा देर हो जाता है। जब आप न्यायपालिका में देर से जाते हैं तब तक सरकार मामले को रफा दफा करने में लग जाती है। अभी देखिए, पंचायत सचिव अभ्यर्थी अब न्यायपालिका में पूरा जोर लगाए हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि वहीं दूसरी ओर इन्होंने एक वैकेंसी निकाल दिया, नाम पंचायत सचिव नहीं रखा, उसी से मिलता जुलता वही वैकेंसी है, सिर्फ नाम बदल दिया उसने। तो अगर ये एक साल पहले से प्रेशर डाला जाता तो जेएसएससी के बहुत से अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाता। आप सारे लोग, अभी एक्साइज वाले लोग भी कोर्ट में हैं, और हमें उम्मीद है कि उन लोगों को भी न्याय मिलेगा। एकजुट रहना है, जब जब जरूरत होती है आप आर्थिक मदद करें सारे लोगों का, जो लोग न्यायपालिका में जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि उसमें ज्यादा बेहतर होगा और आपके भविष्य भी सुरक्षित होंगे। क्योंकि जब आप सड़क पर आंदोलन करते हैं तो आपका एनर्जी चला जाता है, टाइम चला जाता है, पैसा चला जाता है, स्टडी पीरियड चला जाता है, सरकार सुनने वाली नहीं। अगर सरकार थोड़ी सुनती तो समझ में आता है। आपने देखा होगा 7 जेपीएससी में भी कोर्ट एकमात्र विकल्प बचा है झारखंड में, और अब ये समझ में आ रहा है कि राजनीतिक सरगर्मी जिस प्रकार से अलग अलग किरदार की भूमिका में सामने आता जा रहा है, इससे रोजगार के सवाल पर क्वेश्चन मार्क लगना जाहिर हो जाता है। वैकेंसी तो निकलते जा रहा है, लेकिन चेहरे पर, स्टूडेंट्स के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। अमिताभ चौधरी जरूर बोलते हैं कि मुस्कुराते रहिए, लेकिन मुस्कान गायब है। उनको ये लगता है
कि चलो कम से कम न्यायपालिका के रास्ते से सही रोजगार तो मिल जाए। उम्मीद है और ये भरोसा भी है कि न्यायपालिका न्याय कर देगी और इसी आशा में स्टूडेंट्स वहां खड़े हैं। छठी जेपीएससी पर 20 जुलाई, सर्टिफिकेट मामले पर 20 जुलाई और कल भी महत्वपूर्ण सुनवाई होगी कोर्ट में और उससे हमें लगता है